निर्भया मामले में चारों दोषियों में एक पवन कुमार गुप्ता ने फांसी से बचने की कोशिश की, एक बार फिर से वो नाकाम हुई है। निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपराध के समय उसके नाबालिग होने की दलील ठुकराने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। निर्भया के चारों गुनहगारों की फांसी टली है। निर्भया के गुनहगारों को कल शनिवार सुबह फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगाई। निर्भया के चारों गुनहगारों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी। आम बजट 2020 का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में बजट पेश करेंगी। आर्थिक का साल जो वित्त वर्ष है 2015-16 के बाद यह पहला मौका होगा जब आम बजट शनिवार के दिन पेश किया जाएगा। देश का आम बजट शनिवार यानी 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-2021 में GDP ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच रहेगी। GDP ग्रोथ रेट को लेकर सरकार का ये अनुमान चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5 से 1% तक ज्यादा है। विपक्ष से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक का परिवेश का अधिकतम लाभ भारत को मिले। हमारी सरकार की पहचान दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित महिलाओं को सशक्त बनाने की है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आजादी के 75 साल पूरे होंगे। हमें नए भारत का निर्माण करना है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 साल में इस दशक को भारत का दशक बनाने की नींव रखी जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में बजट पेश करेंगी। इस आम बजट में सभी को काफी फायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमेशा की तरह यह बजट भी अच्छा होगा और आम लोगों का बजट होगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पहले ही ना की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि CAA के भारी विरोध और विकास की रफ्तार की वजह से आम बजट से किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिलने वाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने CAA और NRC को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा CAA NRC सत्याग्रह का रूप ले चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। गलत बयान देने और गलत करने वाले BJP को पसंद है, इससे BJP को फायदा मिलता है। BJP के फायर ब्रांड नेता और सरधना विधायक संगीत सोमदेवबंद के भाईला एक पारिवारिक समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत की उन्होंने कहा कि सरजील इमाम जैसे जो लोग हैं उनके बारे में मुझसे पूछा जाना चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ये देश के बंटवारे में भूमिका निभाते हैं, बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाकर गोली मारनी चाहिए। यूपी के DGP ओम प्रकाश सिंह आज रिटायर हो गए। DGP ओम प्रकाश सिंह को शाही तरीके से पारंपरिक परेड के साथ विदाई दी गई। विदाई समारोह में ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि पुलिस सेवा वरदान से कम नहीं, यूपी पुलिस का नेतृत्व करना गर्व की बात है। यूपी पुलिस ने कई बड़े काम किए हैं। हितेश चंद अवस्थी उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP बने हैं। 1985 बैच के IPS हितेश चंद अवस्थी की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। हितेश अवस्थी 13 साल तक CBI में रहे हैं। उधर देहरादून में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। देहरादून और हरिद्वार के DM बदले गए हैं। श्री रविशंकर को हरिद्वार का DM बनाया गया, तो वहीं आशीष कुमार श्रीवास्तव को देहरादून का DM बनाया गया है। दीपेंद्र कुमार चौधरी को हरिद्वार DM के पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा सफाई से जुड़ी मांगों को लेकर अनशन कर रही साध्वी पद्मावती को पुलिस ने जबरन उठाया। पुलिस ने स्वास्थ्य कारणों से साध्वी पद्मावती को अनशन से उठाया है। इसके साथ ही पुलिस ने साध्वी पद्मावती को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि साध्वी पद्मावती गंगा सफाई से जुड़ी अपनी 6 मांगों को लेकर मात सदन परिसर में पिछले 47 दिनों से अनशन कर रही थी। 5 दिवसीय गंगा यात्रा का समापन आज कानपुर के अटल घाट पर हुआ है। बिजनौर और बलिया से कानपुर पहुंची यह यात्रा। गंगा यात्रा का स्वागत अटल घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी ने अटल घाट पर गंगा पूजन किया और आरती की। इस कार्यक्रम का समापन हुआ।
विधायक हरीश धामी की देहरादून में बीजेपी के नेताओं से मिलने की खबर ने राजनीति में एक नई संभावना को जन्म दिया है। मुंबई में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। धारचूला से लगातार चुनाव जीतने वाले हरीश धामी की नजदीकियों के बाद कांग्रेस में ये बेचैनियां बढ़ी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी जिले या निकाय क्षेत्र में स्लॉटर हाउस को बंद करने का अधिकार अब सरकार के पास होगा। अभी यह अधिकार निकायों के पास है। राज्य की बीजेपी सरकार इस फैसले को अमल में लाने की यह अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का अधिकार अपने पास रखा है। देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर 25% की छूट 31 जनवरी तक ही रखी गई। इसके अलावा 15 फरवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने की भी नगर निगम ने अंतिम तारीख रखी है। मेयर सुनील उनियाल गामा के अनुसार 22 करोड़ के लगभग अभी तक टैक्स आ चुका है। 50 करोड़ का लक्ष्य उनके अनुसार नए वार्ड को लेकर भी फैसला लिया जा रहा है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, जहां पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोग आए दिन जाम में फंसे रहते हैं, इसी के मद्देनजर पुलिस जल्द ही अपनी यातायात व्यवस्था में बदलाव लाने जा रही है। शहर में जाम के प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, बल्कि मंगल पड़ाव से डिग्री कॉलेज तक सड़क में बने कट बंद किए जाएंगे। इसके अलावा रोड रिफ्लेक्टर और रबर ब्रेकर समेत रेड लाइट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। विकासनगर में विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। छत लगातार गिर रही है, लगातार हो खतरनाक का होती छत को लेकर प्रशासनिक अमला अभी तक नींद से जागा नहीं है। भवन से किसी तरह के जान माल का अभी तक नुकसान हालांकि नहीं हुआ। बच्चों को स्कूल आंगन में पढ़ाया जा रहा है। हल्द्वानी में लंबे समय से नदी खनन में लगे वाहनों के परिवर्तन की मांग कर रहे वाहन मालिकों पर अब प्रशासन मेहरबान होने जा रहा है। सामग्री ढोने में लगे वाहनों के परिवर्तन और निस्तारण संबंधी कार्यों के लिए जिला खनन समिति ने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। CAA और NRC और NPR के विरोध में पूरे देश में हिंसा का माहौल देखने को मिला। ऐसे में कानपुर सहित कई अन्य जिलों में CAA और NRC के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। PFI पर कानपुर के बाबूपुरवा और यतीम खाना क्षेत्र में हिंसा भड़काने का आरोप। सीतापुर में एक शख्स ने 3 लड़कों को बहला फुसलाकर सऊदी भेज दिया। सऊदी के लड़कों का कहना है कि उनको वहां बंधक बनाकर रखा गया। वहीं पीड़ित लड़कों ने अब आपको अपने आप को वापस बुलाने की गुहार प्रधानमंत्री मोदी से लगाई है। बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हैकर शमशेर आलम को गिरफ्तार किया है। गोड़ा के रहने वाले शमशेर आलम पर 25,000 का इनाम घोषित है और ये IRCTC की साइट हैक कर तत्काल टिकट बुक करता था। पुलिस ने शमशेर आलम के पास से 6,00,000 कैश, एक गाड़ी और लैपटॉप बरामद किया है। रुड़की में एक बार फिर से साइबर ठगी का मामला सामने आया। मूलदासपुर माचरा गांव की सुनीता ने बेशकीमती जमीन बेचकर 9,48,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराए थे। जब सुनीता 4 दिन बाद बैंक में कुछ पैसे निकालने पहुंची तो उसके खाते में राशि नहीं मिली, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में लापरवाही बरत रही है। खनन माफिया ने राजस्व टीम पर जानलेवा हमला करते हुए गोलियां बरसाई हैं। इतना ही नहीं, कार से टक्कर मारकर नायब तहसीलदार को जान से मारने की कोशिश भी की। खनन के खिलाफ अभियान में कोशी नदी से खनन करती पकड़ी गई JCB से नाराज होकर खनन माफिया ने राजस्व टीम पर हमला किया। फिरोजाबाद के थाना पछोखरा में अवैध रूप से चल रहे ट्रक और बसों से महीनेदारी लेने का वीडियो वायरल हुआ है। SO पछोखरा की गाड़ी में बैठकर हेड कांस्टेबल का वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिपाही रात में चलने वाले ट्रक, प्राइवेट बसों और डंपरों से रिश्वत ले रहा है। इटावा में एक लड़की ने संदिग्ध हालत में खुद को गोली मारी है। गोली लड़की के पेट में लगी। लड़की की हालत खराब होने की वजह से उसको सैफई के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। लड़की ने खुद को गोली क्यों मारी यह अभी साफ नहीं हो पाया है।
रुड़की सिविल लाइन में लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक चोर को पकड़ा। चोर के पास से 34,000 की नकदी बरामद की है पुलिस ने। नोएडा में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों के जॉब पोर्टल से डेटा चुराकर लोगों को नौकरी का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। ये बदमाश 2 साल में करीब 1,500 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मेरठ में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती डालने वाले 6 मार गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से डकैती का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके पास से कई फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने इनके कब्जे से कंप्यूटर प्रिंटर फर्जी मोहर के अलावा अन्य फर्जी कागजात भी बरामद किए हैं। इन आरोपियों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इन सभी आरोपियों पर पहले भी तकरीबन 50 मुकदमे दर्ज थे। बागपत जनपद में देर रात 2 अलग-अलग कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 के 2 इनामी तस्कर घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इनके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगरा में मिठाई की एक दुकान में फायरिंग की तस्वीर सामने आई। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। नकाबपोश बदमाशों ने पेंगुरिया स्वीट हाउस पर फायरिंग कर दहशत फैलाई। बदमाश यहां पहले भी फायरिंग कर चुके हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दहशत फैलाने वालों की तलाश में जुटी है। सीतापुर में सरेरा प्रेमी युगल की पिटाई कर दी गई। घर से लापता हुई लड़की जब प्रेमी के साथ बरामद हुई तो लड़की के परिजनों ने दोनों की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस से भी परिजनों ने वसूली की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महमूदाबाद कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के ककरौली में संपत्ति के लिए भाई ने भाई की जान ले ली। यहां एक व्यक्ति ने पिता के साथ मिलकर भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। दोनों पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विकास नगर के चक्राता के कर्णाधार के स्कॉर्पियो कार यहां खाई में गिर गई, जिसके चलते कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दंपति को बाहर निकाला खाई से। हरिद्वार में एक ट्रक और महिंद्रा पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। महिंद्रा पिकअप देहरादून से डोईवाला की तरफ जा रही। मऊ के सिंधी कॉलोनी में आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नूरानी तेल बनाने वाली कंपनी के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग 3 मंजिला इमारत में लगी, जहां नूरानी तेल कंपनी ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। इसे बुझाने की कोशिश पर दमकल के हेड कांस्टेबल मंजीत कुमार सिंह झुलस गए। प्रयागराज में मांग मेला क्षेत्र में आग लग गई। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के शिविर के पास ही आग लगी। इससे टेंट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में सीसीटीवी के आधार पर एक चोर को पकड़ा गया है। मोबाइल की दुकान से चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चकमा देकर एक बैंक को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पुलिस चौकी से तकरीबन 200 मीटर दूर स्थित आर्यव्रत बैंक की शाखा में पीछे की दीवार में सेध लगाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बैंक में सेध की सूचना मिलते ही पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वेतन में इजाफे समेत कई मांगों को लेकर बैंक आज 2 दिन के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे तो बैंक बंद रहे। हड़ताल का असर भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सार्वजनिक बैंकों पर दिखा। भारतीय बैंक संघ ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। बलरामपुर में बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। बैंक कर्मचारियों ने एलडीएम कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और आईबीए के विरोध में नारेबाजी की। बैंक कर्मी वेतन समझौते की मांग को लेकर हड़ताल पर है।
देहरादून में बैंक कर्मियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की, जिसके तहत तमाम बैंक कर्मी परेड मैदान में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते बैंक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे और करोड़ों के कारोबार के नुकसान की आशंका है। हल्द्वानी के लालकुआ में DIG जगत राम जोशी ने स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था पर उनकी राय ली, साथ ही लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। चमोली जिले के भारी बर्फबारी के चलते यहां पर मौसम का मिजाज खुशगवार दिखाई दिया। वहीं पाना ईरानी क्षेत्र में भारी बर्फबारी में एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें बच्चों की मस्ती को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बच्चे बर्फ के बीच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ के गोले बनाकर बच्चे एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लखनऊ में 27वें वसंत उत्सव का आगाज हुआ है। इस मौके पर रामनगर के प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया है। महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक नृत्य और नाटकों की धूम रही। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंडी संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब खेल की खबरों का रुख कर रहे हैं। भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के स्कॉट स्टेडियम में खेला गया चौथा मैच टाई रहा। यह T20 मैच था, हालांकि मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। एक एक ओवर के इस मैच में भारत ने जीत हासिल की। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल की है, जबकि सीरीज का आखिरी मैच 2 फरवरी को खेला जाएगा। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन और सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है। द वर्ल्ड गेम्स ने विश्व भर के खेल प्रेमियों द्वारा 20 दिन के मतदान के बाद गुरुवार को विजेता की घोषणा की।